हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है सेमेस्टर 2 CC4 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आने वाले ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या क्या आता है? आपका लेटर आता है, रिज्यूम आता है, ईमेल आता है और एडवर्टाइजमेंट आता है ना। तो हम लोग आज के वीडियो में ना बस एक ही वीडियो में हम लोग जान जाएंगे कि हम लोग लेटर कैसे लिखेंगे, रिज्यूम कैसे लिखेंगे, ईमेल कैसे लिखेंगे। मतलब अगर आप नहीं भी जानते हैं ना, फिर भी लिख करके आएंगे, लेकिन कैसे लिख करके आएंगे वही हम लोग को आज जाना है। ठीक है, नीचे में क्या लिखा हुआ है? एक तीर से दो नहीं, तीन चार निशाने। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करना, एक यहाँ पे एक चीज़ आपको लेना है। ठीक है, और एक चीज़ से जो है ना तीनों चारों चीज़ को बनाना है। कैसे? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। आपको क्या करना है, लेटर लिखना है किसके पास? हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर के पास। ठीक है, अबाउट इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हमारे एरिया में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो क्या इरेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है। ठीक है, उसके बारे में आपको क्या करना है, लेटर लिखना किसको, एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, एक क्वेश्चन दिया हुआ लेटर का, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे ना कि एक ही इस बस इससे ही, ठीक है, यही लेटर से ही हम लोग कैसे इसको तीन चार चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको ईमेल में बदल देंगे, कैसे हम लोग इसको रिज्यूम में बदल देंगे। ठीक है, सारा चीज़ों को हम लोग इसमें डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, ये लेटर आपको बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए लेटर हम लोग लिखते हैं, लेटर जब लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ पे एड्रेस डालते हैं, है ना। एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके डेट डालते हैं। ये आपको वहां भी करना है। ठीक है, फॉर्मेट जो है फॉर्मेट आपको रखना है वहां पे। ठीक है, फिर किसके पास लिखना था, द एडिटर के पास और द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लिखना था, लेकिन ये आपका लेटर का है। अब लेटर में लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट डालते हैं, है ना। कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसके पास लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कारण क्या है आपके पत्र लिखने का। अगर आप पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर लिखने का कुछ तो रीजन होगा ना। तो रीजन आपको कहाँ दर्शाना है, सब्जेक्ट में दर्शाना है। कहाँ पे? सब्जेक्ट में आपको रीजन दर्शाना है। देखिए यहाँ पे है लेटर आपका। ठीक है, लेटर लिखने के समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, ध्यान क्या देना है कि जिस समय लेटर लिखेगा ना, फॉर्मेट आपको बस ध्यान देना है कि जिसमें लेटर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, सबसे पहले आपको एड्रेस डाल देना है। एड्रेस नेसेसरी, एड्रेस डालने के बाद आपको डेट डाल देना है एक लाइन छोड़ करके। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ करके आप डेट डालिएगा। डेट डालने के बाद आप किसके पास पत्र लिख रहे हैं वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो उसके पास, जिसके पास पत्र लिख रहे हैं वो आपको बता देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या डालना दोस्तों, सब्जेक्ट डालना। क्या डालना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं आके, है ना। तो ये का सब्जेक्ट हो जाएगा, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हमारे एरिया में जो है सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है। इसके बारे में आप क्या करना है, कंप्लेनिंग लेटर लिख रहे हैं किसको, एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स को। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा आपका। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में महोदय लिखते हैं ना, महाशय, महाशय सर आपको लिख देना। ठीक है, उसके बाद जो आपका कारण है, जैसे आप जानते हैं उसको, अगर नहीं जानते हैं आप लोग कुछ, ठीक है, तो कुछ भी लिखना है इसमें। देखिए पहले आपको पहले सटीक लिखना है, उसके बाद जो बीच में आता है वो आप उसके बारे में लिख दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख दीजिए कि आपके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से लिखना है। वहाँ पे कैसे लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्या लिखना है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया। ये बोल रहा है कि मैं बहुत ही आदर के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि हमारे एरिया में जो है ना बिजली जो है ना वो नियमित नहीं है। बिजली क्या है? नियमित नहीं है। सबसे पहले आप पत्र लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तो सबसे पहले उसको क्या कीजिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा, नहीं दीजिएगा? हाँ, तो रिस्पेक्ट देना। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ आपको लिखना है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स बताना है कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ हेडेक फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ अवर एरिया, है ना। कि ये जो है ना हमारा जो इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नियमित बिजली ना आने की आपूर्ति जो है, उससे क्या हो रहा है, ये जो है ना ये कारण क्या बन चुका है, यहाँ के लोगों का हेडेक बन चुका है। हेडेक का मतलब सिरदर्द बन चुका है। ठीक है, बिजली आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। ठीक है, ये इससे प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को, है ना। लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिसिटी प्लेज द गेम ऑफ हाइड एंड सीक विथ अस। देखिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है ना, हम लोग के साथ क्या खेल रहा है, खेल खेल रहा है। कैसा? नुक्का छुपी का खेल होता है ना, कभी आता चला जाता है, आता चला जाता है, वैसे हम लोग के साथ एक खेल खेलता है, कौन? बिजली। ठीक है, उसके बाद साथ साथ लिखा हुआ है, लो वोल्टेज इज अनदर प्रॉब्लम। उसके साथ साथ लो वोल्टेज, वोल्टेज इतना रहता है कि सिर्फ जलता है तंतु उसका, है ना। तो यही जो है कि लो वोल्टेज भी क्या है, एक दूसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको कारण बताना है। उसके साथ साथ आगे भी लिखा हुआ है कि देखिए, लिखा हुआ कि
ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अनियमित बिजली सप्लाई के लिए मतलब के कारण क्या हो रहा है कि स्टूडेंट इजंट कंप्लीट देयर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, वो एग्जाम के लिए जो ना विद्यार्थी अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये आपका कारण हो गया। अब देखिए ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है इसको, ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ तक हो गया। अब कारण को अगर आप कुछ और बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कीजिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। अब पैराग्राफ चेंज करने के बाद क्या कीजिएगा, उसको वहां से लिखना चालू कर दीजिएगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर दिया, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके एज वेल एज ड्यू टू दिस इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट रॉबरी किडनैपिंग इवटीचिंग मर्डर आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, और बताया जा रहा है कि इसके प्रॉब्लम के कारण बिजली आपूर्ति के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे दिनों दिन जो है ना इवटीचिंग मर्डर किडनैपिंग ये सब का समस्या जो है ना बढ़ते जा रहा है। मतलब आप जो भी उसके बारे में लिख सकते हैं आप आराम से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड में देखिए ये आपका पहला तो आपको स्टार्टिंग करना है, ठीक है, कैसे आप स्टार्ट कीजिएगा। दूसरा में आपका ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा में, तीसरा पार्ट में क्या करना है, तीसरा पार्ट में आपको बताना है कि मैंने इस समस्या को लेकर के यहाँ के डीसी से मिला, बिजली विभाग वाले से मिला, लेकिन ये समस्या का हल हुआ नहीं। तो वही लिखा हुआ है, आई लेड अ डेलीगेशन एंड मेट विद द डीसी ऑफ रांची। मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को लेकर के रांची के डीसी से मैंने मुलाकात किया, ठीक है, लेकिन इन दिस रिगार्ड बट ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ क्या हो गया, फालतू में चला गया, सब कुछ पानी में चला गया, ठीक है, मतलब कोई उपाय इसका निकला नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में आपको बता देना, ठीक है, कि आई होप दैट यू विल पब्लिश दिस लेटर टू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर सो दैट द हायर अथॉरिटीज कैन टेक प्रॉपर एक्शन एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद थैंक्स लिख देना सिंसियरली, मतलब लास्ट में आपको करना है कि मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये लेटर आपको लिखा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने न्यूज़पेपर में इसको छापिएगा ताकि लोगों को जो है ना जिसके हायर अथॉरिटीज़ हैं बिजली विभाग के उसको पता चल सके ये प्रॉब्लम हम लोगों का, ठीक है, और वो इस प्रॉब्लम का समाधान करने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद थैंक्स लिख देना है योर सिंसियरली। अब देखिए यहाँ पे तो आपका खत्म हुआ क्या, यहाँ क्या, यहाँ पे आप जो आपका जो है लेटर खत्म हो गया, ठीक है। अब इसी में हम लोग जानेंगे कि इसी में जोड़ करके हम लोग ईमेल कैसे लिखेंगे, है ना। तो चलिए ईमेल लिखने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए अगर ईमेल आएगा तो ईमेल भी आपको इस प्रकार से आएगा, ठीक है, राइट है। देखिए यहाँ पे लेटर है तो बस वहाँ पे क्या रहेगा, ईमेल की राइट ईमेल टू द एडिटर ऑफ एसएसएस रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो ईमेल आपको क्या करना, ईमेल में क्या चेंज करना है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है, आपको आपका जो लेटर है वही रहेगा, ठीक है, आपका जो लेटर है जैसे आप लेटर लिखे हैं बिल्कुल सेम लेटर रहेगा, ठीक है, बस इसमें चेंज क्या करना, तो हम लोग चलिए दिखाते हैं आपको कि चेंज क्या करना है इसमें से। वहाँ पे आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, तो करना क्या है आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस आगे क्या करता ना, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट लिया हुआ था सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डेट डाल देना है, फॉर्म डाल देना है और टू डाल देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें से प्रोसेस आपका सेम रहेगा, ठीक है, सारा का सारा प्रोसेस आपका लेटर वाला ही रहेगा, ठीक है, बस आपको लिख क्या देना है वहाँ पे, डेट डाल देना है, ठीक है, डेट आपका इस तरह से रहेगा, फिर फॉर्म, फॉर्म मतलब आप किससे पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, टू किसके पास से पत्र लिख रहे हैं ये आपको डाल देना है, वहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी आपका जैसे लेटर था बिल्कुल सेम का सेम, जैसे देखिए ये आपका यहाँ तक हो गया, फिर एक लाइन छोड़ना बस आपको, एक लाइन का गैपिंग दे देना है, ठीक है, एक लाइन का गैपिंग रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा आपका, सब्जेक्ट डालने के बाद जैसे जैसे आपका लेटर लिखा हुआ था बिल्कुल सेम आपको लिख देना, और कुछ करना नहीं है ईमेल में, ठीक है, ठीक है। ईमेल का मतलब यही है कि आपका लेटर आप जानिए, आप ईमेल बना लीजिएगा, ठीक है, मतलब यही समझना है, ठीक है, कि अगर आप लेटर जानते हैं तो आप ईमेल को भी बेटर तरीके से बना सकते हैं। बस ईमेल में चेंज क्या करना है, वहां पे जो आपका टू वगैरह था, देखिए यहाँ पे जो आपका रातू रोड रांची ये था, ठीक है, इसमें से आपको चेंज करके क्या कर देना, बस बस ये वाला आपको चेंज कर देना, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देना, ये डेट डाल देना है, ठीक है, डेट डाल देना है, फ्रॉम और टू डाल देना, ठीक है, बस इतना ही करना है ईमेल में, और कुछ करना नहीं है। अब उसके बाद देखिए इसके बाद आपका आता है रिज्यूम राइटिंग। अब रिज्यूम राइटिंग में क्या करना है, तो अगर आप लेटर जानते हैं ना तो तीनों चीज को बेटर तरीके से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं रिज्यूम कैसा आपका आता है, तो रिज्यूम भी आपका सेम आता है। तो देखिए अगर रिज्यूम आता है तो रिज्यूम क्या, देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा, प्रिपेयर बायो डाटा ऑफ अ पर्सन अप्लाइंग फॉर अ जॉब ऑफ ऑफिस असिस्टेंट विथ ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई जो है, कोई व्यक्ति जो है अपना एडवर्टाइजमेंट डाला, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, कुछ चीज़ों का जरूरत है, मतलब या तो मुझे कोई जैसे काम करने वाला होता है ना, मैनेजर का पद खाली है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, लेटर लिखना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, तो वही आपको लिखना है कि प्रिपेयर अ बायोडाटा, बायोडाटा लिखना है आपको, ठीक है, फॉर अप्लाइंग अ जॉब, एक जॉब को अप्लाई करने के लिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे आप लेटर लिखते हैं लेटर आपको लिख देना है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लेटर में लिखा था ना ये सब, तो इस तरह आपको लेटर में लिख देना है, लेटर में भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसमें भी मैंने डाला था, इसमें भी आपको सब्जेक्ट डालना है कि किस लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब लेटर लिखने के बाद, लेटर लिखने के बाद जैसे लेटर में आप क्या लिखेंगे इसमें, कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द प्रभात खबर, ठीक है, कि आपके प्रभात खबर में एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, प्रचार के हिसाब से मैंने क्या किया इसको, पत्र मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। और पत्र लिखने के बाद आई एश्योर दैट, मतलब ये पूरा जो है ना आपको पूरा का पूरा आपको लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेटर लिखने के बाद देखिए एक्सक्लूड करना, इंक्लूड करना आपको क्या, कि बायोडाटा
टेस्टमोनियल एसोसिएटेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट नीचे दिया हुआ, ठीक है। नीचे में क्या दिया हुआ देखिए, आपको इस तरह से बना देना है, बायोडाटा और रिज्यूम, ठीक है। बायोडाटा रिज्यूम, आर के शर्मा नाम है उसका, फादर का नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, ठीक है, टेलीफोन नंबर लिख देना है, ईमेल आईडी लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आपको नीचे डाल देना है, क्वालिफिकेशन आपको इस तरह से लिखना है कि डिग्री ऑफ पासिंग, कि पास किए थे 10th डिग्री आप कब, किससे पास किए, 12th किससे पास किए, बीए किससे पास किए, उसके बाद यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी से आप लोग पास किए, ये लिख देना है आपने। फिर मार्क्स, कितना कितना मार्क्स था, कौन सा ईयर में आप लोग पास किए, ये आपको डाल देना है रिज्यूम में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है आपको, एट में डालना है एक्सपीरियंस, कि आखिर आप अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे तो क्या आप फ्रेशर हैं कि एक्सपीरियंस है आपको कहीं का, ठीक है। तो लिखा हुआ है 1 ईयर एट राज ड्राई कटिंग अकाउंटेंट, ठीक है, कि 1 साल का जो ना मुझे एक्सपीरियंस है कहाँ पे, राज ड्राई कटिंग में अकाउंटेंट का, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंक्लोज, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जॉब का इसके साथ इंक्लोज होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉबीज, 9 में आपको हॉबी डालना है कि आपका हॉबी क्या है, तो हॉबी यहाँ पे देखिए, हॉबी जो जो आपका है डाल देना, प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग रिएक्टिव बुक्स एंड लिसनिंग सॉन्ग, जो भी आपका हॉबी वहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में मतलब है कि आप एक्स्ट्रा में क्या क्या किए हैं, इसको छोड़ करके आप पढ़ने के अलावा एक्स्ट्रा में क्या क्या किए हैं, ठीक है। तो हाँ बता दे रहा है कि एक्स्ट्रा में देखिए, इंग्लिश टाइपिंग आप सीखे हैं 60 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग आप सीखे हैं 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। वेल वर्स्ड इन टैली प्राइम, गुड नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब आपको करना है, ठीक है। तो मैंने बस यही बताना चाह रहा था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप लेटर जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, लेटर जानते हैं, तो सारे चीज को बना सकते हैं, चाहे वो रिज्यूम रहे, चाहे वो ईमेल रहे, चाहे वो लेटर रहे, ठीक है। तीनों चीज़ को आप एक ही चीज़ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बताना चाह रहा था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको लेटर्स लिखना है, ठीक है। और अगर आप लेटर लिखने के लिए नहीं जानते हैं, ठीक है, तो नहीं जानते हैं तो क्या करना, सबसे पहले आपको फॉर्मेट, जो ऊपर में फॉर्मेट दिया हुआ, ठीक है, एक चीज़ तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मेट बस आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मेट के बाद जो है ना, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट के बात करने के बाद थोड़ा सा आपको कारण बता देना, उसके बाद कुछ करना नहीं है, ठीक है। कारण के बाद आपको किससे मिले, सब कुछ फालतू में चला गया, सब कुछ लिख देना उसमें, ठीक है। उसके लिखने के बाद जो है ना, आपको क्या कर देना है, बता देना, अनुरोध करना है कि आप क्या करें, इसमें लिख दें, मतलब अपना न्यूज़पेपर में छाप दें, ताकि उनको इस चीज़ का पता चल सके, हमारे प्रॉब्लम्स का पता चल सके, ठीक है। इस चीज़ के बारे में लिख देना, ठीक है। यही तरह आपका लेटर लिखना है, ईमेल लिखना है, और रिज्यूम लिख देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।